जयपुर खीरी में प्राइवेट अस्पतालों में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन उच्च अधिकारी मौन बने बैठे हैं। नगरगोला गोकर्णनाथ में अवैध तरीके से कई अस्पताल चल रहे हैं। इसी क्रम में आज न्यू सुपर हॉस्पिटल में प्रसूता का ऑपरेशन किया गया, कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि बाकेगंज सरकारी अस्पताल से प्रसूता को इलाज के लिए ले गए थे, वहां से डॉक्टरों को रेफर कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस के ड्राइवर ने इसी अस्पताल में लाकर उतार दिया। अस्पताल के कर्मचारियों ने नॉर्मल डिलीवरी कराने की बात कर कहकर भर्ती करा लिया। मरीज की हालत ज्यादा खराब होने की बात कहकर ऑपरेशन करने के लिए कहा। कुछ समय बाद अस्पताल कर्मचारी गायब हो गए, तब हमें जानकारी मिली कि हमारे मरीज की मौत हो चुकी है। इस पर परिजनों ने शव को अस्पताल के गेट पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते अस्पताल का सभी स्टाफ भाग गए। जब पीएससी अधीक्षक डॉक्टर गणेश निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उन्हें अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। बाद में परिजन शव को बिना किसी कार्यवाही कराए ही शव को घर ले गए। कौन डॉक्टर लोग कहीं नॉर्मल बच्चा हो गया 7,000 रुपया दे दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, हमने कह दिया कि थोड़ी देर आधा घंटा रोकी, बोल दिन के ऑपरेशन हुई है, बच्चा ऐसा नहीं है, बच्चा उल्टा है। तो हुआ तो हमने कहा चलो भाई कोई बात नहीं है, और साइनों भी नहीं कहें कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं हम फुल गारंटी ले गए बच्चा सही भी है ठीक भी है। और भाई खूब रात में दारू पीन सब मिल के बता रहे कौन सी दवाई चढ़ाई का करें, कौन कौन दारू पी डॉक्टर लोग खूब लड़ाई करें या और गलत गलत नाजायज करें। हाँ अच्छा, किसी आशा का डॉक्टर ने भेजा था जय अस्पताल के लिए, प्राइवेट डॉक्टर थे सरकारी अस्पताल के थे, सरकारी डॉक्टर ने भेजा। क्या नाम था? यस, कौन सा अस्पताल है? न्यू सुपर हॉस्पिटल। कौन सा? कहाँ के निवासी हैं आप? क्या आपकी महिला पत्नी के साथ घटना हुई है? यहाँ से पहले मतलब बस एम्बुलेंस में भरते हुए और बाकी कैसे देखे गए, फिर वहाँ एक मैडम नर्स मिली तो उन्होंने देखा आधा घंटा लगा वहाँ, तो बोला ये बोला लेके जाओ, हम सुषमा यहाँ लेके जा रहे थे। तो उन्होंने फ़ोन किया एक मैजिक वाले के पास, तो वो आदमी लेके यहाँ आया डायरेक्ट, तो उसने कहा कि पहले दो तीन आदमी और बाहर से अंदर से निकला है, तो उन्होंने कहा 7,000 में नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो हमने कहा बाजी ने कहा चलो हो जाए कोई बात नहीं। तो थोड़ी आधा एक घंटा बाद उन्होंने देखा कि बताया ऑपरेशन होगा। तो हमने कहा चलो भाई रुपए के इंतजाम करें, उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ सही सब लोग रहे। और फिर जब चार बजा होगा हम बच्चा बीमार हो गया था, तो हम लेके गए इधर साइड लखीमपुर रोड पे, घर वाले बीमार हैं तो देखे कतई बेकार हो गए थे, और ये लोग दारू भी पिए थे तीन लोग। क्या नाम था उनका? नाम है एक लोगों का नाम चलिए।